नमस्कार टैक्सलामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप डुप्लीकेट आरसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कागज वाले आरसी है जो कि खराब हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक नई प्लास्टिक वाली आरसी हो, या फिर आपकी आरसी गायब हो गई है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप एक नई आरसी लेना चाहते हैं, प्लास्टिक कार्ड वाली आरसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि आप एक डुप्लीकेट आरसी कैसे बनवा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा जिसका यूआरएल है parivahan.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप स्टेट चूज करेंगे जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिर यहाँ पर आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको कई सारी आरसी से रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएंगी। डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने के लिए आपके आरसी के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर को लिंक करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ सर्विसेज के सेक्शन में एडिशनल सर्विसेज के अंडर अपडेट मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने उन स्टेट्स की लिस्ट आ जाएगी जिनके पास मोबाइल नंबर की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आपकी गाड़ी इनमें से किसी भी स्टेट में रजिस्टर है तभी आप इस फैसिलिटी का यूज कर पाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी आरसी की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर चेसिस नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर इंजन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट फिलअप करनी है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, किस डेट तक, वो फिलअप करना है। ये सारी चीजें आपको अपनी आरसी पर लिखी हुई मिल जाएंगी, वहां से देखकर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने व्हीकल ओनर का नेम और एड्रेस डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं कि आपकी आरसी के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो अगर आपकी आरसी के साथ सही मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहीं से बैक हो जाना है। अदरवाइज अगर आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस नंबर को फिलअप करेंगे जिसे आप अपनी आरसी के साथ अपडेट करना चाहते हैं, और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो भी नंबर फिलअप किया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है और सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि क्या आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। उसके बाद आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने के लिए आपको फिर से यहाँ सर्विसेज के सेक्शन में आरसी रिलेटेड सर्विसेज के अंडर डुप्लीकेट आरसी के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, डैशबोर्ड पर भी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप हुआ होगा। फिर यहाँ आपको अपने व्हीकल के चेसिस नंबर के लास्ट 5 कैरेक्टर्स को फिलअप करना है और फिर वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने अभी जो मोबाइल नंबर अपनी आरसी के साथ अपडेट किया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है और सबमिट कर देना है।